ज्ञानोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा सोमवार को रीवा शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय रीवा में कक्षा 7, 9 और 11वीं में प्रवेश के लिए 25 जुलाई को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की गई है। ज्ञानोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि कक्षा 7 में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए 3 सीटें रिक्त हैं, जबकि कक्षा 9वीं में 21 सीट है। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए छात्रों में 5 तथा छात्राओं के लिए 12, अन्य बीपीएल कार्डधारी सामान्य पिछड़ा एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 1 तथा छात्राओं के लिए 3 सीटें रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 11वीं में गणित विषय की कुल 17 सीटें रिक्त हैं। इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 2, छात्राओं के लिए 15 सीटें रिक्त हैं। और इसी प्रकार कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय के लिए बीपीएल कार्डधारी सामान्य पिछड़ा एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र के लिए 1 सीट रिक्त है। प्राचार्य ने जानकारी दी कि कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय में अनुसूचित जाति के छात्र के लिए 1 सीट तथा छात्रा के लिए 6 सीट रिक्त हैं, जबकि बीपीएल कार्डधारी सामान्य पिछड़ा एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रा के लिए 1 सीट रिक्त है। वहीं कक्षा 7वीं और 9वीं में प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश की प्रक्रिया कक्षा 10वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को जिस कक्षा में प्रवेश लेना है उसके ठीक पूर्व की कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बी ग्रेड या प्रथम श्रेणी में 60% से ऊपर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।